मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक प्रीवियसली हमने जितना भी काम किया है वो आप सब अपनी नोटबुक में नीटली करते जाइए और याद भी करते जाइए, ठीक है? प्रीवियस में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है? तो फुल फॉर्म्स में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बोलनी है बेटा, अभी हमने लाइव क्लास ली थी उसमें भी मैंने डिस्कस की थी ये वर्कशीट, तो लेकिन स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है? तो आपकी स्ट्रेंथ लाइव क्लास में भी और ज़्यादा होनी चाहिए, आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है? ये सब आपके लिए ही हो रहे हैं, है ना, सब चीज़ें, तो आप इसमें जुड़िए, ठीक है? और गेट बेनिफिटेड ऑल्सो, ठीक? तो हम इनके फुल फॉर्म्स लिखते हैं, CNG एंड LPG। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है? CNG को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन द व्हीकल्स, ठीक है? आपने अलग से फिलिंग स्टेशन भी देखे होंगे CNG के। LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसे हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। गैस सिलेंडर में जो गैस यूज़ होती है वो क्या है? LPG है, और उसका फॉर्म, फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी टू ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया विद देयर लोकेशन। क्वेश्चन समझिए, आपको इंडिया में दो ऑयल रिफाइनरी के नाम लिखने हैं जहाँ पे ऑयल जाके रिफाइन किया जाता है, और उनकी जगह भी बतानी है कि कहाँ से हैं वो लोकेटेड। तो पहला हमने लिया है द डिगबोई रिफाइनरी एट डिगबोई इन असम। असम में डिगबोई सिटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसका नाम है डिगबोई रिफाइनरी, ठीक है? तो यहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। एक आपकी बहुत फेमस है बॉम्बे हाई, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। हमने सेकंड यहाँ पे लिखी है द मथुरा रिफाइनरी विच इज़ इन मथुरा, ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो ये तो दो हो गई हमारी ऑयल रिफाइनरी विद देयर लोकेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीज़ हैविंग लार्ज ऑयल रिजर्व। आपको ऐसे कंट्री के नाम लिखने हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, ठीक है? पेट्रोलियम ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, तो ये कंट्रीज़ हैं हमारी वेनेजुएला एंड सेकंड वन इज़ सऊदी अरेबिया, ठीक? तो एक क्वेश्चन नंबर 5 के ये सब पार्ट्स जो हैं आप इसको अपनी नोटबुक में आज करें, और साथ में जो है इनको अपनी नोटबुक में करने के बाद इनको लर्न करें, ठीक है? ओके, थैंक यू।